मन का जो 25 प्रकृतियां हैं वही प्रकृति देहाभाव, इंद्रियों भाव, और आत्मज, रसज, संगज, पितृज और मातृज, ये पांचों गुण को लेकर निकलता है। भाव का मतलब यह है कि भाव को भाषा में प्रकाश कराया जाता है, सनातन भाषा है। सनातन भाषा सब कोई नहीं बोलते, लेकिन सनातन भाषा के बारे में तो मैंने बता दिया पहले से। जिनमें कोई संप्रदाय या कोई धर्म का संपर्क ही नहीं, मन जिसको तो धारण करता है वो धर्म है। संप्रदाय सम्यक रूपेण कुछ देते हैं, दीक्षा दिलाते हैं और नष्ट भी करते हैं। कुछ फल अच्छा चीज़ देते हैं और बुराई का नष्ट करते हैं, यह दीक्षा है। लेकिन जो भाव है, भाव तो 34 प्रकार का है। हर्ष, स्मृति, वृणा, मोह, धृति, शंका, ग्लानि, दैन्य, चिंता, मद, राग, गर्भ, निद्रा, मति, व्याधि, त्रास, सुप्त, वियोध, अमर्ष, अभिहित, उग्रता, उन्माद, वितर्क, मरण, औत्सुक, आश्चर्य, विस्मय, आवेश, जड़ता, आलस, असूया, अपस्मार, चपलता और निर्बोध, ये है भाव। और इस भाव को लेकर 16 कला संपन्न संसार में आत्मा का भी 16 कला है। श्रद्धा, 5 भूत, 5 इंद्रियों, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम और प्राण। फिर जब जाओगे चंद्र देवता का कला को, उनका भी 16 कला है। अमृता, आनंदा, पूष, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशि, चंद्रक, क्लांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, तूर्ण और पूर्णामृता। जब वैदिक सिद्धि को आप पहुंच जाओगे, वह भी 16 कला है। सिद्धि, अणिमा, विभूति, प्रज्ञा, धी, ज्ञान, भ्रम, रति, सत्य, केली, अमा, आसक्ति, सुसुप्ति, मुक्ति, तुरीय और निर्वाण। प्रकृति का 16 कला को जब तुम जाओगे, मन, आकाश, पवन, अनल, पृथ्वी, जल और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ऐसे ये 16 कला का व्याख्या है। तो जब भाव है, भाव का प्रारंभ से हमको जो शरीर मिला, ये शरीर माँ से, मांस, श्रृंग, मज्जा, मेद, अस्थि, जकृत, प्लीहा और अंतरनाभि, हृदय का गुद्दा, ये माँ का कला से आता है। केश, श्मश्रु, लोम, नख, दांत, सिर और सारे सिरा प्रसिरा, धमनी, स्नायु और शुक्र, ये पितृ कला से। शरीर का अपचय, वर्ण, बल, देह का स्थिति,
और ये सब रस से, भोजन से होता है। आत्मा का कला ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुख दुख, इंद्रिया, ये सब आत्मा का कला है। तब इसका बात संगच संगदोष का और मातृज पितृज रसज और आत्मज का साथ संगज संग से जो होता है वही कला भी जीव लेकर आते हैं। इनमें भलाई बुराई उनके मन और उनके बुद्धि वृत्ति प्रकृति और अंतरेंद्रियों का साथ निर्भर करें। जब आप ये संसार में तत्व का गहराई भाव को जाओगे, खांग सुरत्र है, पक वायव्य है, नेत्र तेजस है, रसना आपस आप है, घ्राण पार्थिव है और जथा शब्द ग्राहक दर्शन ग्राहक, इसका अनुक्रमिक स्पर्श रूप रस गंध ये सूक्ष्ममय है। पाक से शब्द विसर्जन आकाशीय तत्व है, पानी से वायव्य स्वर्ष विसर्जन पाद तेज विसर्जन रूप गंतव्य जापत गमन उपस्थ वारुण रस से रति संपादन मूत्र त्याग गूदा में पार्थिव गंध और गंधयुक्त मल विसर्जन सुख मुख नासिका का बीच तथा हृदय नाभिमंडल और पाद का अंगूठी में प्राण रहता है। गूद मेढ्र ऊरु और जानू के में अपान रहता है, सारे शरीर में समान रहता है। श्रोत्र ऊरु कटी गुल्फ स्कंध और गला इनमें ब्यान वायु रहता है। सर्वसिद्धि तथा पाद हाथ में उदान वायु रहता है। प्राण में उच्छ्वास है, अपान में श्रवण है, समान में समीकरण है, उदान में ग्रहण है और ब्यान में उन्मिलन है, उन्नयन है। प्राण का उच्छ्वास और समीकृत ये रसादि का संभव होता है। प्राण में उच्छ्वास समीकृत रसादि पृथककरण सर्वमान्य है। अपान में श्रवण और मूत्रादि विसर्जन मान्य आता है। उदान में उद्गिरण और उन्नयन उन्मिलन, समान में शरीर का पोषण और समीकरण भी संभव है। प्राण अपान का चेष्टा रूप ग्रहण संभव है और उपप्राण नाग कुर्म कुरकलग देवदत्त और धनंजय ये उपप्राण है। जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तथा हृदय का परे
आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप का वर्णन है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ये मिलकर 14 आध्यात्मिक पदार्थ हैं। चक्षु, कर्ण, नासा, जीवा, त्वक, बक, पाद, पाणी, पायु, पस्थ, देखने योग्य, सुनने योग्य, सुंघने योग्य और श्वास लेने योग्य और छूने का योग्य है, चिंतन करने का योग्य है, जानने का योग्य है, गर्भ करने का योग्य है, चेतनार योग्य है, ग्रहण करने का योग्य है, जाने आने का योग्य है, छोड़ने का योग्य है और आनंद का योग्य है। ये है आधिभौतिक 14। फिर इसका आधिदैविक वास आ जाओ, सूर्य, दीघ, पृथ्वी, वरुण, वायु, ये 5, चंद्र, ब्रह्मा, रुद्र, नक्षत्र, ये 4, अग्नि, रुद्र, विष्णु, मित्र, यम या प्रजापति, ये आधिदैविक है। इसका इससे क्या क्या कौन कौन नाड़ी रहता है, राज्ञी, सुदर्शना, जीता, सौम्या, मेधा, ये 5 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से रहता है, रुद्रा, अमृता, सत्या, मध्यमा और नाड़ी राशि सुकरिका, आसुरी, कृत्तिक और भास्पति, ये नाड़ी निबंधन है। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, वैरंभ, मुख, अंतर्जामी, प्रभंजन, कूर्म, सैन्य, श्वेत, कृष्ण, अनिल और नाग, ये 14 वायु नाड़ी का भीतर का वाहक है। नेत्र, कर्ण, नासा, रसना, चर्म, मन, बुद्धि, अहंकार और चित, मुख, हाथ, पाद, मेढ्र और पायु, उपस्थ, ये 14 इंद्रियां है। दर्शन, स्वर्शन, घ्राण, आस्पादन, श्रवण, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, संकल्प, विकल्प और सुविचार, कुविचार, मूढ़ता और प्राज्ञता, सुचिंता और मंद, दुष्ट चिंता और प्राज्ञता, मौन, बाग्मी और प्रगल्भता, आस्तिक, स्वच्छ और कुटिल, निगम, गम्य और अगम्य, फिर निष्क्रिय, देना लेना, संयमी, सदाचारी और असत आचारी, ये 14 प्रकार का तीनों भेद है। ये 14 मनमंत्र से सोचो या 14 इंद्रियां से सोचो, 14 देवता से सोचो, 14 प्रकृति से सोचो, ये एक सृष्टि जीवात्मा का भीतर एक गहराई ज्ञान है। इसका प्रकृति तत्व भी एक प्रकार अलग है। मन तो 5 है, ये जड़ है, इंद्रियों में सार है, इंद्रियाणा मनश्चास्मि कहते हैं भगवान। बुद्धि ये वैषयिक, जो बुद्धि है ये विषया का चिंतन करता है। प्रज्ञा प्रसिद्धि बोध है, मेधा इस पर का ज्ञान का चिंता, ज्ञान का अंतर्गत है। इच्छा, संकल्प, संदेह, धृति, अधृति, श्रद्धा, अश्रद्धा, लज्जा, भीरुता, विचार, भला बुरा का चिंतन, ये मन का विकार है। विश्व स्वप्न है, तेजस आभास है और निद्रा शून्य है, प्राज्ञ पूर्णबोध गम्य है, स्वप्न रहित चिंता है, तूर्य निद्रा स्वप्न ही है। ये एक प्रकार कथा में हमारा तात्विक चिंतन है।
दर्शन में सांख्य दर्शन कहता है, नित्यया सत्परजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतुर अहंकाराद पंचभूतं तन्मात्रान उभय इंद्रिय पंचस्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणाः। दस प्राण, दस इंद्रियां, चार अंतर इंद्रियां, स्वभाव, शरीर, बल और मंत्र, ये 28 प्रकृति है। त्रिगुण, महत, अहंकार, पांच तन्मात्रा, दस इंद्रियां, पांच भूत, ये मिलकर 25। चित्त समाधि स्थाई है, निरुद्ध निग्रह है, क्षिप्र चलन है और भूत जड़ता है। अमूढ़ निस्संग, ये चित्त का 5 विभाग भी है। अब यह गहराई चिंता में इंद्रियों में अहंकार, चित्त और बुद्धि, मन तो संकल्प करता है, विकल्प करता है, मन दोनों ही करता है ना, संकल्प भी और विकल्प भी। कल्प, कल्प कल्पना, कल्प से कल्पना, संकल्प से संकल्पना, अकल अकल्प से अकल्पना और विकल्प से विकल्पना। बुद्धि को आ जाने से ये सब नाना लग जाता है, कल्पना विकल्पना, संकल्प संकल्प संकल्पना, अकल्प अकल्पना, विकल्प विकल्पना, निर्विकल्प निर्विकल्पना। और जो भाव है, ये भाव भावना हो जाते हैं, भाव भाव भावना हो जाते हैं। और 13 भावना में जब भाव नहीं है, हरि कैसे तेरा पास आयुगो, हरि नहीं आयुगो, हरि आने के लिए भाव का चाहिए। रेमन प्रभु है प्रेम के भूखी, वो प्रेम का भूखी है, भूखे है प्रभु, उनको प्यार चाहिए। प्यार कैसा प्यार, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप मुकास्पादन बदगुण रहित कामना रहित। सांसारिक प्यार नहीं है भाई, लैक ऑफ सॉरो, ओशन ऑफ टीयर, वैली ऑफ डेथ एंड एंड ऑफ लाइफ, ये प्यार थोड़ी है, काम है। देह मन इंद्र का लालसा को पूर्ति करने के लिए केवल भोग का विलास मात्र है, स्वप्न का विलास है। स्वप्न में जो कुछ देखते हो वो क्या सच है, सत के समान लगता है, रज्जोर जता है भ्रम। ब्रह्म को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए, तीलेषु तैलम दधनिषु सर्पी, मक्खन से जैसे घृत निकलता है, तिल से जैसे तैल निकलता है, इसको पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। विकारवाद, विवर्तनवाद, विपर्ज्यवाद, आरंभवाद और परिणामवाद, ये चारों वाद में सारे संसार का घटिया बढ़िया उत्थान पतन चलते रहा है। नित्यो नित्यानम चेतनम चेतनानम एको बहुनम च विदधाति कामान तमात्मस्थम जौनपश्यति धीरस्तेषां शांति सस्पति नेतिरसम। नित्यो नित्यानम और चेतनम चेतनानम, हम चेतन नहीं है, जड़ है, हमारा मन भी जड़ है, लेकिन आत्मकला वही चेतन है, फल देने वाला धर्म देवता वही चेतन है। धर्मो शुभ्र वपु और सुखम वपु, मनोह करोति विकरोति, विकार बात को आ जाओ। एक बाल्टी दूध जब तुम रख दिया कहाँ भी, उनको सब दूध बोलेंगे, लेकिन कल सुबह होने से वो फट कर दधी बन जाएगा, विकारवाद आ जाएगा। एक सोने का कुछ महान सोना तुमको दे दिया, वो सोना है, लेकिन गहना बना देने से उनका नाम बदल जाएगा,
फिर गहना टूट जाए, फूट जाए और कुछ हो जाए, मिला देने से फिर सोना हो जाएगा। ऐसे जीवात्मा परमात्मा ये अग्नि बीज है, नष्ट नहीं होते। अछिद्यमक्लिद्यमस्य वचन नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो यम सनातन है, वो स्थाणु भी है, अचल भी है और सर्वगत हर जगह को जा सकते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है और आत्मा के बारे सोचने के लिए बहुत गहराई सोच रिसर्च करते हैं प्राकृतिक पदार्थ से वैज्ञानिक, प्रकृति का रिसर्च करते हैं कोई पारमार्थिक लोग जो युगवादी है, और जो ज्ञानवादी है वो अंतस्करण से रिसर्च करते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से, गहराई चिंतन से ऋषि रिसर्च करते हैं। ऋषि शुद्ध भाषा में ऋ नहीं है, रू आ ई उ ए उ उ रु रु लु ए आए ओ औ अनुस्वार विसर्ग और चंद्रबिंदु आंग अन आह आंग आह। ये 16 मात्रा कंठ चक्र में रहता है शंकर जी का। यहाँ से ऊपर स्वर्ग है, कमर तक मर्त्य है, नाभि से नीचे पताल है, ये शरीर भी ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में पंचभूत का देखो, आँख में रूप रहता है अग्नि देवता का, नासा में वायु देवता का गंध रहता है, आकाश देवता का आसमान का, यहाँ कान में रहता है रसा जीवा देवता, जीवा में रसा देवता रहता है, बचपन और अग्नि अग्नि देवता भी जीवा में रहता है, वाणी का प्रकाश करते हैं, ये स्वर्ग है। हृदय कंठ चक्र, हृदय चक्र और नाभि चक्र, गूदा से अपृथ्वी तत्व मान लो, नाभि को रस तत्व मान लो, पृथ्वी का ऊपर क्या है, जल है, ऊपर हृदय को पेट को आप अग्नि चक्र समझ लो, यहाँ अग्नि है, हृदय चक्र में वायु है और कंठ चक्र से आकाश है। ये भी हमारा शरीर का पंचभौतिक व्यवस्था है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंचभूत का विकार है, ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 ये भी इनका विकार है, कुछ कुछ उपादान मिलकर ये शरीर तैयारी है। तब संकल्प पहले कल्प, निर्विकल्प अविकल्प ये मन के बारे में समझाता हूँ। वेद तो दो चीज़ जानते हैं, संकल्प को और विकल्प, कल्प के बारे में नहीं जानते, सम्यक धारणा है वेद में। वेद कहता है चंद्र सूर्य मसोधाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, चंद्र सूर्य विधाता के कल्पना से तैयार हुआ, विधाता के मन में पहले भावना आया, कैसे भावना, अवायुमंडल का वायु हवा से वो बैठे हुए पद्म का नाड़ खिलते रहे, भय आया उनका मन में। भागवत में जो कुछ है दूसर में कुछ कहीं नहीं मिलेगा, अवायुमंडल का वायु जहाँ वायु नहीं रहते, असतोमा सद्गमय, सत में वायु नहीं, अंतरिक्ष नहीं है, दिवलोक नहीं है, ये सब माया का लोक है। दिवलोक अंतरिक्ष आकाश महाकाश से लेकर तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल तक ये सब मायिक संसार है, मायिक, और इनमें कोई भगवान का अरूप का भजन करता है, कोई स्वरूप का भजन करता है, कोई शब्द या अक्षर या ज्योति का भजन करता है, किसी भी हालत में कोई ज्ञानी है, कोई योगी है और कोई भक्त है, तीनों प्रकार भगवान का भजन करते हैं। भागवत कहते हैं
वदन्ति तत्तत्व वेद बीदसयत जज्ञिया नामद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति ब्रह्मेति भगवान इति परमात्मा इति ब्रह्म करोति अकरोति मायां कसृजति करोति विकरोति मनः करोति सृजति करोति अकरोति जीवः करोति अकरोति इंद्रियः करोति अकरोति सब करते हैं और नहीं करते हैं प्रकृति करोति अकरोति इसका गहराई मतलब है। ये सब समझाने के लिए अभी मेरा पास समय नहीं है। अब इसको समझाएंगे ऐसे कोई बात नहीं, अगला चरण में हम बताएंगे संकल्प विकल्प कल्प निर्विकल्प और अविकल्प ये क्या है। ये मन के बारे में चलता है, फिर आएंगे बुद्धि को आएंगे चित्त को आएंगे और अहंकार को आएंगे। प्रभु आप सबका भला करें। जय जगन्नाथ। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। पार्वतीपतये हर हर महादेव। नमो नारायण।